35 घर है, अभी तक जल नल जल का सुविधा नहीं पहुंच पाया है। नहीं भैया, पानी नहीं पहुंचा है हम लोग को, कुआं के पानी पीने पर मजबूर है। चापाकल तो हम करा देते हैं, ये जो नल जल योजना है नहीं आया अभी तक कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं आया। रिपोर्ट लेके हमको भी, हमारी भी जानकारी में दीजिए कि क्या ये डीएम के आदेश से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, लेके हमारी भी जानकारी में दीजिए क्योंकि ये गलत हो रहा है। और सुनिए एक दो विषय और है, आज हम यहाँ पे सीधी बात कर रहे हैं, जानकारी है ना आपको? अभी हम यहाँ पे सीधी बात हम जनता के साथ हम कर रहे हैं, तो इसमें कई विषय है जो आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, जहाँ तक होगा संभव मैं मदद करूँगा, यहाँ के अधिकारी से मदद करवाऊँगा। भैया को जब यहाँ देते हैं तो मेरा सुखाड़ वाला भी पैसा आए, हम लोग उन पर भरोसा भी करते हैं और करते रहेंगे। हमको तो कोई फायदा नहीं लग रहा, वो तो बोल रहा है सिर्फ, तो हमको 50% विकलांग है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान आज जमुई में है, जमुई पहुँचे हैं वो और सीधी बात कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है अभी, आप देख सकते हैं चिराग पासवान भीड़ से घिरे हैं और वहाँ पर इनसे लोग सीधी बात कर रहे हैं। हम बात करवाते हैं आपसे, कुछ लोग जो सवाल इनको चिराग पासवान से उन्होंने किया है, अपने समस्याओं को बताया है, महिलाएं बहुत सी खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे देखिए क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? श्रीमती रंजना देवी। क्या सवाल था आपसे, बात हुई चिराग जी की? चिराग जी आए हैं सीधी बात, कार्यक्रम चल रहा है, सीधी बात आज जमुई पहुंचे हैं, क्या बात हुई? हम लोग सारे महिला लेके आए हैं, भैया से बात रखें। क्या समस्या क्या थी? क्या समस्या था, ये घर आवास के लिए पानी नहीं है, उरंग मेरा कुंडी सनकुरा पंचायत हरला गांव में हाई स्कूल है, उसमें एक भी पानी नहीं है टंकी तक। ये समस्या आपने बताया? वो समस्या भैया को भी बताएं, वो लिख के भी दिए आवेदन, भैया भी आवेदन ले लिया, वीडियो से बात किया, सीओ से बात किया। भैया क्या जवाब दिया, क्या बताया चिराग पासवान ने, क्या कहा, जवाब क्या दिया? बोला बिल्कुल जहाँ तक होगा संभव मैं मदद करूँगा, यहाँ के अधिकारी से मदद करवाऊँगा, वीडियो है, डीएम है, जहाँ तक होगा कोई मेरा कार्यकर्ता झुक के नहीं रहिए, डर के नहीं रहिए, लड़ के काम करिए। जनता का तो बहुत सवाल होते हैं नेताओं से, क्या समाधान हो पाता है? हाँ बिल्कुल समाधान होता है, भैया के पास में जो भी प्रक्रिया है, भैया के पास में चला जाता है तो बिल्कुल भैया समाधान करता है। चलिए समाधान होता है, और भी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सरिता कुमारी। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या है कि सुखाड़ में किसी के परिवार में, मतलब पूरे परिवार को पैसा आए और किसी को एक 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 व्यक्ति को भी पैसा नहीं आए हैं, और सब शिक्षक को वहाँ बैठाए हुए हैं ब्लॉक में, और 5500 घूस लेके जो घूस देता है जो व्यक्ति, उसका वहाँ डाटा ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं वो उसका ऑनलाइन करते हैं, कागज़ बढ़ाते हैं, लिस्ट में नाम चढ़ाते हैं, BLO, और जो नहीं देते हैं घूस उसका कागज़ दाब देते हैं, उसका सुखाड़ वाला पैसा लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, तो आपने बताया क्या चिराग पासवान को ये समस्या बताई? हाँ अभी बताए हैं। क्या बताया उन्होंने, क्या कहा? वो बोले कि वीडियो को हम कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने यही बात वहाँ अभी भैया को बोले तो यही बोले, मैंने वीडियो पूरा बंदर बाँट कर रहा है, दोनों मिलीजुली भगत है, पूरा बंदर बाँट कर रहा है, दोनों मिलीजुली भगत है, और पूरा बंदर बाँट कर रहा है, मास्टर से मिलके, BLO से मिलके, वार्ड मिलके, सलाहकार मिलके, सब मैंने पूरा बंदर बाँट कर रहा है। जो 100 डाटा ऑपरेटर को पैसा देता है उसका ऑनलाइन होता है, और जो नहीं देता है पैसा उसका कागज़ बैक कर देता है, और लिस्ट मांगने जाते हैं तो बोलता है कि वीडियो पास जाइए। हाँ भैया के पास आते हैं तो समस्या का समाधान होता है, और कहीं अफसर के पास जाते हैं तो वो तरजीह नहीं देते हैं, सटने नहीं देते हैं, दलाल को सटाते हैं, और दलाल के थ्रू काम होता है। थाना जाइए, ब्लॉक जाइए, कृषि विभाग जाइए, थाना, मना दलाल के थ्रू, दलाल को तरजीह देता है, दलाल के थ्रू काम होता है। अब भैया को जब यहाँ देते हैं तो मेरा सुखाड़ वाला भी पैसा आए, फिर शौचालय वाला पैसा है, शौचालय में भी वही, हम लोग उन पर भरोसा भी करते हैं और करते रहेंगे, और हर चीज़ का, हम मेरा गांव में हर चीज़ का, मतलब यह अनाज आया, जिसके घर में जो खा रहा है, जो गरीब लोग है वो देख रहा है। समस्याएं थी और भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिव्यांग हैं, इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ माधव। क्या समस्या है आप जी? विकलांग हैं। आपने अभी चिराग पासवान जनता से सीधी बात करने के लिए पहुंचे हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्या
सवाल था आपका? हमको सर वो मोटरसाइकिल जो ट्राई वाला साइकिल होता है वही हमको आवश्यकता, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। क्या बोले चिराग पासवान, क्या बोले? वो तो बोलते हैं कि 80% होना चाहिए तो मिलेगा, ऐसे तो बल देखा जाएगा, समय बताएगा। क्या लगता है ये सीधी बात जो हो रही है इससे कुछ फायदा मिल पा रहा है? हमको तो अनुभव नहीं लग रहा सर, हमको तो कोई फायदा नहीं लग रहा। वो तो बोल रहे हैं 80, तो हमको 50% विकलांग है तो हमको मिलेगा नहीं, उनका बात से तो हमको तो फायदा लगता नहीं हो रहा हमसे। उससे फायदा आपको नहीं दिख रहा है आपको? आपका नाम क्या हुआ, आप भी कोई सवाल किए हैं क्या? शंभू पंडित। क्या नाम हुआ? मेरा शंभू पंडित है। शंभू जी, आपको क्या समझ? तो हम लोग यह बात बोले कि 80% होना चाहिए, 60 मेरा परसेंट 60% है। आप क्या मांग रहे थे, क्या बोल रहे थे? बैटरी मोटर बैटरी साइकिल मांग रहे थे। तो क्या बोले? बोले सर 80% होगा तब मिलेगा। ये वो नियम है तो अब बातें ये बता रहे हैं, अपनी अपनी बातें सुना आपने। सीधी बात के लिए जमुई पहुँचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में जमुई के सांसद चिराग पासवान, और यहाँ पर उन्होंने जनता से सीधी बात की है। क्या कुछ बात उनकी हुई है ये आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें, और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।